एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सेंट्रल पार्क राजीव चौक पर, हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आज वो सरकारी नौकरियों को छोड़कर समाज सेवा में लगे हुए हैं। और ऐसी शख्सियत है हमारे बीच में डॉक्टर एस एन गौतम साहब, जिन्होंने चुनाव भी लड़ा है, समाज सेवा भी की है। आइए हम उनसे जानकारी देते हैं कि ये जो रिजर्वेशन की बात है, आरक्षण का जो मुद्दा है, ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ठीक नहीं है, क्योंकि इनको अच्छा तजर्बा है। आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, आज के समय के अंदर पूरे भारत के अंदर एक अफरातफरी मची हुई है ये आरक्षण को लेकर। तो आरक्षण की लेके जो अफरातफरी है, और आप एक सोशल वर्कर भी काम करा है, आपने एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, और आज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सर आपका अनुभव कैसा है ये आरक्षण को लेकर? साथियों, जय भीम। मैं भारत के हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि पहले आप आरक्षण शब्द के पीछे की मानसिकता को स्टडी आपको करना चाहिए। मुझे या किसी भी व्यक्ति को अनुचित लाभ दिया जाना कोई पसंद नहीं करता है। शायद भारत की जनता ये नहीं जान पाई है कि आरक्षण एक अनुचित लाभ है या उचित लाभ है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, तब तक आप इसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। भारत की न्यायपालिका भी इस चीज़ से अवगत नहीं है, क्योंकि वो मानसिक तौर पर जातिवादी ब्राह्मण सोच की मानसिकता है, उसका वर्चस्व है, ब्राह्मण का वर्चस्व है न्यायपालिका में, जो हर समय एक ही प्रयत्न करता है कि किस तरह से लोगों को बांटा जाए और बांट के अपना वर्चस्व बनाए रखा जाए समाज में, और बहुसंख्यक वर्ग को गुलाम रखा जाए। इस आरक्षण के पीछे मैं सभी वर्ग के लोगों, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया समाज हो, ओबीसी का हो, सबको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये देश आरक्षण के नाम पर कैसे बांटा जा रहा है। अब आरक्षण क्या हुआ था? आरक्षण एक वैधानिक क्यों ज़रूरत पड़ी? सदियों से इस देश के वंचित समाज को धन, धरती और ज़मीन से और शिक्षा से अलग किया गया। पुरातन एक आरक्षण था कि ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा, ब्राह्मण ही समाज को में शिक्षा लेगा, ब्राह्मण ही इस समाज को गाइड करेगा। क्षत्रिय का काम था कि वो अपने सुरक्षा की गारंटी देता है देश को, और वो सुरक्षा के लिए हथियार उठाएगा। बनिया का काम था व्यापार करेगा, समाज को चलाएगा, व्यापार की जिम्मेदारी अपने सब। और जो जिसे आज हम बहुजन समाज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी और पसमंदा माइनॉरिटी के लोग, ये सब लोग वो थे जो सेवा का काम करेंगे। जब ब्रिटिश पीरियड आया और ब्रिटिशर्स ने जब शिक्षा को लागू किया, और 1835 के लगभग भारत में आईपीसी को लागू किया गया। आईपीसी का था इंडियन पीनल कोड, और उस इंडियन पीनल कोड में ब्राह्मण को भी वो अधिकारों से मुक्त कर दिया गया कि अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसकी उसे सजा होगी। ब्राह्मण इससे विचलित हुआ और स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया। आंदोलन किन परिस्थितियों में चला? डॉक्टर अम्बेडकर के आते आते, डॉक्टर अम्बेडकर जब एजुकेटेड होकर के लंदन से आए, उन्होंने जब वंचित समाज, अछूत समाज की मांगों को उठाना शुरू किया, तो इस ब्राह्मणवादी सोच में एक नई सोच आई कि अब अंग्रेज जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए। और जब साइमन कमीशन आया था 1930 के लगभग, तो पुरजोर उसका विरोध किया गया था, जबकि साइमन कमीशन इस बात के लिए आया था कि इस भारत में गरीब लोगों की जो स्थिति है उसको एग्जामिन किया जाए, जिसका गांधी जी और गांधी जी के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग थे सब ने विरोध किया था कि हम यहाँ की शोषण व्यवस्था को, जो शोषण करती है उस व्यवस्था को हम ईमानदारी से अंग्रेजों के सामने नहीं लाना चाहते थे। और उसके बाद देश की आज़ादी की लड़ाई और ज़्यादा संघर्ष में हुई। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ,
उससे पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ब्रिटिशर्स ने पूछा था कि भारत को अगर आज़ाद कर दिया जाता है तो उसका संविधान क्या होगा, जिसके लिए कांग्रेस कोरे कागज़ पर सिग्नेचर करके आ गई थी और ये कहा था हम संविधान नहीं बना सकते, सिर्फ डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाने का जो तरीका था ब्रिटिशर्स ने उसे स्वीकार किया और उस समय एक नया फॉर्मूला दिया गया जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से कहा जाता है कि संप्रदाय के आधार पर लोगों को संरक्षण प्राप्त होगा, जिसमें सिख, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू के नाम से था और जो अनटचेबल्स थे उनको दोहरा मत देने का और दोहरा नेतृत्व करने का, डबल वोटिंग राइट और डबल कैंडिडेट, इन दोनों का अधिकार मिला, जिसका गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने आमरण अनशन करके जो जिसे कह सकते हैं कि गांधी जी ने अछूतों के साथ विश्वासघात करने का काम किया था, इतिहास इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। और उसके बाद पूना पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट में ये विश्वास दिलाया गया था कि हम यहाँ के SC और ST को विकास की सामान्य धारा में जोड़ने का काम करेंगे, किसी भी तरह का इनके साथ पक्षपात नहीं करेंगे। और उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब रिजर्वेशन नाम का ये प्रोविज़न लाया गया कि हर उसमें जनसंख्या के आधार पर, क्यों, क्योंकि ये धन, धरती, शिक्षा और सुरक्षा हर चीज़ से वंचित इनको रखा गया था, उनकी एक कैटेगरी बनाई गई जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनके कुछ मापदंड बनाए गए, उन मापदंडों पर चर्चा करके मैं समय आपका ख़राब नहीं करूँगा, लेकिन कुछ बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। जो लैंडलेस थे, होमलेस थे, एजुकेशन से वंचित थे, सुरक्षा और संरक्षण और सम्मान, मंदिरों में प्रवेश, इन सब चीज़ों से बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित थे, उन लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाके ने की जिम्मेदारी देते हुए संविधान में आरक्षण को रखा गया था। अब सवाल उठता है 70 साल के बाद क्या हमने ये पाया, क्या संविधान को लागू करके ये सब चीज़ें दी गई, तो दी तो नहीं गई इन पर, लेकिन परंतु किंतु करने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही पक्षपातपूर्ण निर्णय लेता रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं देता है जिसमें ये कहा जा सके कि इन समाज के लोगों की नुमाइंदगी उनकी जनसंख्या के आधार पर बिना रिजर्वेशन के भी सुनिश्चित की जा सकती है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है स्वयं उच्च न्यायपालिका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज की नियुक्ति जो बिना रिजर्वेशन के, बिना किसी कंपटीशन के होती है, उसमें वर्चस्व चंद कुछ फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं उनका, या ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता है। भाई ये किस बात का तुम्हारा न्याय है? जब न्यायपालिका अपने आप में इतनी गलत है तो आप क्या सोचते हो कि वो भारत के 85% गरीब लोगों को, जो अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, पसमंदा समाज के हैं, माइनॉरिटी कमी के लोग हैं, क्या उनको न्याय दे पाएगी? नहीं। और यही कारण है आज आरक्षण का विरोध करने में ब्राह्मण सबसे आगे और वो लोगों को भड़काता है। जाति कौन बनाता है? ब्राह्मण। जाति से जाति का दुश्मनी कौन करवाता है? ब्राह्मण। मनुवाद का पोषक कौन है? ब्राह्मण। हमको ब्राह्मण को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ब्राह्मण को उस बात के लिए सचेत करना चाहिए कि जुर्म जाति के बढ़ावा देने में जहर बहुत फैला लिया, या तो अपना ये जहर फैलाना बंद करो, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम हमारे साथ करते रहे। और अगर हमारे साथ तुमने उचित किया है तो फिर हमें कोई शिकायत नहीं होगी, फिर कल तुम्हारे साथ होगा। आज बच्चियों का बलात्कार होता है, बच्चे आत्महत्या करते हैं, आप उनकी जातियां ढूंढने लगते हो। अरे उस कॉज को ढूंढो, इन बच्चों ने क्यों आत्महत्या की? ये बच्चे PhD कर रहे हैं, अच्छे पढ़ाई करके देश के भविष्य बनने वाले हैं, पर उस पर किसी को वो कोई शर्म नहीं आती है। और जातियों को गिन करके वही ब्राह्मणवादी सोच, वही ब्राह्मण की सोच आप सामने लाते हो, उसके बाद कहते हो आरक्षण का हम विरोध। हम कहते हैं चलो आरक्षण आज आपने हटा दिया, आरक्षण आपने हटा दिया, शिक्षा पर कब्जा कर लिया, सब चीज़ों पर कब्जा कर लिया, फिर जुर्म करोगे, जुर्म का बदला क्या होगा? पाकिस्तान में संविधान को कितने सालों तक जब नहीं माना गया, अच्छा संविधान नहीं बना, आपको पता है पाकिस्तान की आज हालत क्या है? श्रीलंका में 20-30 साल तक संविधान को नहीं माना गया, श्रीलंका की क्या हालत हुई थी? बांग्लादेश की क्या हालत हुई थी? आज जिन कंट्री में संविधान को नहीं मानते हैं उनके विकास की स्थिति क्या है? आज भारत इस स्थिति में आया है। भारत का संविधान विश्व का सर्वोच्च संविधान है, जो हिंदू को, ईसाई को,
मुस्लिम को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, सभी को बराबर का संरक्षण प्रदान करता है। वो कहीं किसी की धार्मिक अस्मिता में किसी भी तरह का विरोध नहीं करता है। उस पवित्र संविधान को ब्राह्मण नहीं मानता है, शंकराचार्य नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी उस पर एक्शन नहीं लेता है। सरेआम आकर के टीवी मीडिया पर कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन लेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको सजा के लिए कहेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए कहेगा कि देश को बांटने का काम जो ब्राह्मण कर रहा है उसे हम रोकेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी गरेबान में देखेगा कि आने वाले समय में सिलेक्शन ऑफ जजेस में इन लोगों का बिना रिजर्वेशन के योग्यता का कोई मापदंड रखिए? आपने जुडिशियल की बात की थी और एक जुडिशियल में ही एक सज्जन कह रहे थे कि जब मोर अपने आंसू टपका देता है, जो आंसू टपका होता है पैदा हो जाते हैं, ऐसी मानसिक स्थिति है आज भी। देखिए, मैं तो उन्हीं जज साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि एक को पैदा करके बता दो, आप जिस वर्ग के हैं, जिस श्लोक को पढ़ के आप ये कहते हो कि आग में से, कान में से, पेशाब में से, जाने किन किन चीज़ों से, स्खलन से, अगर ये कोई भी व्यक्ति एक पैदा करके बता दे हम उसको मान लेंगे, वरना अपने आप को सामने आकर के किसी मंच पर आकर के अपनी योग्यता का प्रदर्शन करो। इनको जज किसने बनाया, सबसे बड़ा प्रश्न ये लगता है। ये जज उसी मानसिकता के लोग हैं, इन लोगों को जज नहीं होना चाहिए। इन्हें कहीं जा करके अपने अंधविश्वास और पाखंड का पुजारी बनके समाज को लूटना चाहिए। सर, एक और अभी BHU के अंदर एक इतना बड़ा कांड हुआ कि वहाँ जो छात्रों के साथ में इस तरीके से मारपीट करने करी गई, और जहाँ फीमेल पुलिस को होना चाहिए था वहाँ जेंट्स पुलिस लाठी बरसा रहे हैं। इसके लिए तो मोदी जी और योगी जी को प्रयत्न करना चाहिए कि उन बच्चों की अब जातियां देखें, उन बच्चियों की जातियां देखेंगे तो फिर बताएंगे कि भाई इसमें कितनी सुरुकास की पिटी, कितनी OBC की पिटी, इसमें ब्राह्मण की कोई थी नहीं, इसलिए कोई आंदोलन होना नहीं चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म करो इस देश पर जिसने गलती से ही सही तुम जैसे लोगों को पैदा किया। अपने उस जमीर पर भी शर्म करो जो इस देश के इतने महान संविधान के कारण तुम आज इस लायक बने कि तुम मुख्यमंत्री बनते हुए और प्रधानमंत्री बनते हुए वो डिसीजन ले सकते थे जो भारत का नहीं विश्व के लिए सर्वोपरि डिसीजन हो सकता था, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो, तुम स्वयं योग्य नहीं हो। अब तुम्हारे साथ मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि राजनीति में एक चीज़ है, लोकतंत्र में जो जीत के आ जाता है, चाहे मूर्ख हो चाहे कोई भी हो, वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानने लगता है। आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए, आपका चरित्र अच्छा नहीं है, ये बात सच है। और क्यों नहीं है इसका मैं बता दूं, आप जिम्मेदारी से दूर भागते हो। एक ब्रह्मचारी होने का नाटक करता है, एक शादीशुदा होकर के बीवी छोड़ के भागने का नाटक करता है। अब आप बताइए, जब आप ही जिम्मेदार नहीं हो तो समाज को आप क्या दे पाओगे, देश की जनता को क्या दोगे? आप अपनी विश्वसनीयता पैदा करिए, और इन लड़कियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें रूट से लेकर के छोटी छोटी, और एक उदाहरण बनना चाहिए कि भारत में अब कभी भी किसी भी नारी की अस्मिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह न लगे कि प्रशासन उसके साथ अन्याय कर सकता है। कठोर से कठोर दंड दो और उन बच्चियों को संरक्षण दो, और जो सुविधा दे सकते हो वो दो। ये भारत के हम सभी लोगों की डिजायर है, चाहे वो लड़की किसी भी वर्ग की हो, हमारी वो बेटी है, हमारी सम्माननीय है, हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है, भारत का की अस्मिता है।